केजरीवाल की बात है, केजरीवाल की बात है, केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है, केजरीवाल शरम करो, भ्रष्टाचारी शरम करो, शरम करो, शरम करो। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। और इस वक्त मैं मौजूद हूं पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के नेहरू नगर में। सबसे पहले अपने दर्शकों को मैं होली की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा अपने चैनल की ओर से। और आज पूरे देश में होलिका दहन का पर्व मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से, श्रद्धा से, पारंपरिक ढंग से। वहीं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल जी हाल ही में जो उन्हें जेल हुई है शराब घोटाले के मामले में, और यहाँ उन्होंने केजरीवाल जी का पुतला फूंका है। और उसके बाद यहाँ पर सभी लोग खड़े हुए हैं। नरेश कुमार जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, SC ST कोटे से आते हैं। और साथ में गोपाल भाई हैं, सतीश शर्मा जी हैं जो कि मंडल के अध्यक्ष हैं, सुधांशु जी हैं, तो पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले तो जो केजरीवाल जी जेल चले गए हैं उसको लेकर के क्या कहना चाह रहे हैं और यहाँ पुतला आज क्यों फूका इन्होंने। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद ANC इंडिया का, VN न्यूज का, रूप सिंह गोसाई जी का, व्यास कुशवाहा जी का, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की मेरी तरफ से, मेरी पार्टी के पदाधिकारियों की तरफ से। आज हमने पुतला दहन का ये जो कार्यक्रम रखा है, एक बुराई पे जो अच्छाई की जीत हुई है, जो आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर एक सरकार बनी थी जो कहती थी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सरकार बनाएंगे, लेकिन आज दिल्ली और दिल्ली के CM और उनके जो मंत्री हैं, सिर्फ उनकी पहचान एक इस चीज से बनी है कि सिर्फ भ्रष्टाचार। दिल्ली में आए दिन एक नया भ्रष्टाचार, एक नया घोटाला, और आज उसी शराब घोटाले के अंदर सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे विजय नायर हो, और इनका सबसे बड़ा सरगना जो केजरीवाल, जो अपने आप को कहता था जी मैंने तो कुछ किया नहीं है, लेकिन सभी लोगों ने बताया कि इसका माफिया और इसका सरगना केजरीवाल था। और उनकी लोगों की जितने भी गवाही या जो सबूत हैं जो ED को मिले हैं या और एजेंसियों को मिले हैं, उसका आज ये नतीजा निकला जी केजरीवाल जी अंदर गए हैं। और हम तो चाहेंगे कि होली के दिन इस भारतवर्ष में दो त्यौहार ऐसे बनाए जाते हैं जो बुराई पर अच्छाई के प्रतीक है। एक हम दुशहरे का दिन मनाते हैं और एक होली का दहन का मनाते हैं। तो चलो दिवाली नहीं मनाई गई तो होली तो बनाई लेंगे। चार यार अंदर इकट्ठे बैठकर शराब पिएंगे, और पानी तो दिल्ली की जनता को मिलता नहीं है, लेकिन तिहाड़ में पानी मिल जाएगा। आराम से बैठे शराब पिए, एक के साथ चार फ्री थी, तीन फ्री थी, दो, अब वो तिहाड़ में बैठ के पिएंगे। तो ये एक समय का चक्कर होता है। आप चोरी करोगे और दूसरे लोगों के ऊपर उंगली करोगे, ये अब देश में नहीं चलने वाला। अच्छा, ये अब तक जितने एक के बाद एक तो जेल में बंद तो जरूर हुए हैं, लेकिन अभी तक जो जनता कह रही है और जो ऊपरी खबर है, अभी तक आरोप साबित नहीं हो पाए हैं। भाई साहब, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपको आज कोई पुलिस वाला थाने में बुला ले तो आप क्या करोगे? आप अपना काम धंधा छोड़ के जाओगे ना? जाना पड़ेगा। देश की इतनी बड़ी एजेंसी अगर उनको सम्मान दे रही है तो कोई हवा में तो नहीं दे रही है। आपके साथी जेल में है, कोर्ट से उनको जमानत नहीं मिल रही है, तो उसका क्या कारण है? कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी है ना उस चीज में। और उन्हीं लोगों ने ये बताया है कि यहाँ यहाँ केजरीवाल की वजह से ये शराब के अंदर घोटाले हुए। क्या कारण था कि 2% से सीधा कमीशन 12% किया? क्या कारण था कि वो शराब नीति पे जब केस रजिस्टर हुए थे, उन्होंने फटाक से उस शराब नीति को विड्रॉ करके वो पुरानी वाली चलाई? ऐसा क्या कारण था? गली गली के अंदर, ये हमारी जो पटेल नगर विधानसभा के अंदर ये हमारा ये वार्ड है, इसके अंदर भी उन्होंने कहीं शराब के ठेके कर दिए थे जी? मतलब दिल्ली के लोगों को, हमारी बस्ती के लोगों को पानी तो दे नहीं पाए, शराब दे दी, और वो भी एक के साथ एक फ्री, जिसका जो है जगह जगह विरोध किया, फिर बाद में बंद। भाई साहब ने लाठियां खाई है, बिल्कुल हमने लाठियां खाई है, तब जाके बंद हुआ। अब आप बताओ, जिस दुकान का किराया 10-20 हजार है, उसका किराया सीधा 2 लाख रुपए कहां से भर रहे थे ये लोग? भ्रष्टाचार किया ना?
चलिए बहुत धन्यवाद, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं गोपाल सिंह राठौर, महामंत्री, आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो हम भ्रम की जिंदगी जी रहे थे अब तक, कि एक सरकार आई है जो भ्रम फैला रही थी कि दिल्ली को मैंने पेरिस बना देना, दिल्ली को मैंने वो बनाना, दिल्ली को पेरिस तो नहीं बनाया, लेकिन हाँ दिल्ली को शराब माफिया या टैंकर माफिया या जल माफिया में जरूर तब्दील कर दिया। दिल्ली की जो जनता है आज अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, उसे लग रहा कि अब उसका जो था, जिसको कहते थे केजरीवाल हमारा, आज दिल्ली को चलाने वाला मुख्यमंत्री नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जेल चले गए। और अभी भी वो इतने बेशरम है कि इस्तीफा ना दे के वो ये कह रहे मैं अंदर से सरकार चलाऊंगा, जेल से सरकार चलाऊंगा, तो कैबिनेट की जो बैठकें होंगी जेल से होंगी, हर फैसले जेल से होंगे, रोज के लिए एक नया डिसीजन आना पड़ेगा दिल्ली के लिए, क्या वो जेल से करेंगे? अभी भी इतने बेशरम है कि इस्तीफा नहीं दे रहे, अगर वो इस्तीफा देते हैं तो शायद कोई और मुख्यमंत्री बन के दिल्ली को चला ले, लेकिन नहीं, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, उनके और मिनिस्टर जितने भी है सब जेल में है, तो दिल्ली की जनता अब किस राह पे जाएगी? ना दिल्ली का कोई बजट पास हो सकता, ना दिल्ली का कोई काम हो सकता, ना दिल्ली में जल मिल सकता, ना पानी मिल सकता, ना बिजली, तो दिल्ली की जनता क्या करे? अब थकी सी महसूस कर रही है अपने आप को, लेकिन फिर भी ये इतनी बेशरम सरकार है कि उसका इस्तीफा ना देने की बजाय उसका सपोर्ट कर रहे हैं कुछ जो लोग हैं, लेकिन पब्लिक समझ चुकी है। अब वो कहते हैं जी मुझे बेकसूर बंद कर दिया, चलो ठीक है बेकसूर आपको बंद कर दिया, आप अपने फेवर के सबूत पेश करो कोर्ट में, आप अपनी बेल ले लो। इतने बड़े वकील, इतने बड़े लॉयर, एक छोटा सा आदमी जो कहता है मैं गरीब परिवार से आया हूँ, उसने मनु सिंह भी जैसा लॉयर रख रखा था, लॉयर की उसकी फीस कितनी है, कोई भर देगा? आम आदमी नहीं भर सकता, इन्होंने अपने आप को आम आदमी बोला, लेकिन इनकी फीस मनु सिंघवी की एक हेयरिंग की 2 करोड़ रुपए है, कहां से पे करी? वो कहते हैं नहीं जी ये तो बेकसूर है, लेकिन बेकसूर ने सबूत कोई नहीं दिया और वो आज जेल में, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, तीनों कोर्ट वो देख चुके हैं, आज वो भ्रष्टाचारी है जेल में। और हम तो यही डिमांड करेंगे अपने वार्ड की तरफ से, अपने मंडल की तरफ से, और पूरी जनता की तरफ से कि वो अपना इस्तीफा दे, ताकि आचार संहिता लगी भी इस्तीफा दे, कोई और मुख्यमंत्री बने और दिल्ली को चलाए, यही कहना है। और भाई सर एक बात और जोड़ता हूँ, अभी जिस दिन इसकी गिरफ्तारी हुई केजरीवाल की, तो जो इनके साथ में गठबंधन है वो लोग कह रहे हैं गिरफ्तारी तो ठीक है, गिरफ्तारी तो ठीक है, हो गई ठीक है, लेकिन समय गलत था मतलब आप कानून भी तुमसे पूछ के काम करेगा कि भाई तेरा आज घर में कोई काम है तो कल आ जाए, परसों आ जाए, मतलब उनके सहयोगी कांग्रेस भी कह रही है गिरफ्तारी, हाँ गिरफ्तारी भी सही है। और देखिए भाई साहब, ये इनकी आम आदमी पार्टी के जितने प्रवक्ता बैठ के जी केजरीवाल से डर के, भाई साहब दिल्ली की 7 सीटें हैं, केजरीवाल जी 7 सीटों पर नहीं 4 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी और सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। और इस इनको ये जितने भी भ्रष्टाचारी इकट्ठे हुए हैं, आज जितने भी भ्रष्टाचारी इकट्ठे हुए हैं, इनको सबको यही डर है कि भाई आने वाला समय अब हमारा है, तो ये वही होगा ना चोर चोर मुसेरे भाई। तो आज देश की जनता जान चुकी है कि देश के अंदर एक ऐसी सरकार है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही है। चलिए धन्यवाद। सतीश शर्मा जी, आप मंडल अध्यक्ष हैं, क्या एक अध्यक्ष होने के नाते क्या समझते हैं केजरीवाल जी? मैं अध्यक्ष होने के नाते भी और जनता का एक सेवक होने के नाते भी बोलूंगा, आपको एक तो बहुत बहुत बधाई होली की, दूसरा जब ये केजरीवाल जी आए थे तो दूसरों के खम्भों पर जाके बिजली काटते थे कि जी बिजली की चोरी हो रही है, आज बिजली का इतना बड़ा घोटाला वो नहीं देखते, अपने बच्चे की कसम खाई थी, अपने माँ बाप की कसम खाई थी कि मैं जी भ्रष्टाचार नहीं करूँगा, कांग्रेस को बंद करूँगा, कांग्रेस को बंद कराऊँगा, और सबसे पहले जनता ने जिता के भेजा, तो सबसे पहले जो गठबंधन किया वो कांग्रेस के साथ ही किया, जिनको जेल भेज रहे थे सबसे पहले गठबंधन उन्हीं के साथ सरकार बनाई, उसके बाद फिर जनता को धोखा दिया कि जी आपने मुझे पूर्व बहुमत दिया, फिर इन्होंने जनता को इतना बड़ा तोहफा दिया कि एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री और पानी बंद, और दिल्ली को पेरिस नहीं दिल्ली को नाला बना दिया, आप जिस गली में जाओगे वहाँ तराई तराई नाला नाला, नाले का पानी मिलेगा लेकिन पीने के लिए पानी नहीं होगा। दिल्ली की ऐसी स्थिति कभी आज तक, जब से दिल्ली है, जब से कोई भी सरकार रही है, ऐसी स्थिति नहीं हुई, जब से केजरीवाल जी आए हैं, जब से इन्होंने ऐसी स्थिति कर दी है कि लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं। आप आगे जाओ, लाइन लगी हुई है, एक टैंकर पर 200 गैलन 200 लेडीज़ लेके खड़ी हैं, बेचारी लेडीज़ बीमार हैं, पानी भर रही हैं, गिर रही हैं, टूट रही हैं, जब भी पानी नहीं आ रहा। पानी की समस्या पे भाई साहब ने बोला तो मैं बता दूं कि पानी जो है एक हर व्यक्ति का, इस देश के हर नागरिक का स्वच्छ पानी पीने का उसका अधिकार है, इसमें सरकारें विफल रही हैं बरसों से, जो है चाहे वो बलजीत नगर हो, बाबा फरीदपुरी हो, या पूरी दिल्ली में इस तरह की कोई भी कॉलोनी हो, हर जगह पानी की विकट समस्या है।
और आपको बता दूं कि ये पानी की विकट समस्या इतनी गंभीर होती जा रही है कि ये एक युद्ध का कारण बनेगा। कुछ देशों में पानी की इतनी समस्या है कि वहां पर नहाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, पानी बहुत भारी कीमत में खरीदा जा रहा है। तो आपसे निवेदन है कि पानी को जितना बचाएं सेव करें जरूर करें जी। और ये बोलते थे जी मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ, अगर भ्रष्टाचारी नहीं हूँ, अगर मैं हो या आप हो, आपको पुलिस पकड़ेगी तो इंक्वायरी करके छोड़ देगी ना अगर कोई सबूत नहीं होंगे तो। आप एक मुख्यमंत्री होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने आपको जमानत नहीं दी, हाई कोर्ट ने जमानत नहीं दी, तो आप कैसे कह रहे हो मैं निर्दोष हूँ? आप भ्रष्टाचारी हो, जब भी तो जमानत नहीं मिली, नहीं तो जमानत सबको मिल रही है। कोई क्राइम होता है जब भी तो जमानत मिलती है, लेकिन इनका जो इतना बड़ा क्राइम किया है, दारू दिल्ली में फ्री कर दी, एक के साथ एक कर दी, घरों में भिजवाने का प्रावधान कर दिया दारू का, लेकिन पानी का प्रावधान नहीं किया कि घरों में लोग माँ बहन सुबह स्कूल जाते हैं, जब देखते हैं ना कीचड़, तो स्कूल के बच्चे हमारे यहाँ जाते हैं तो जाते गिर के स्कूल नहीं जा पाते, कीचड़ में गिर के वापस आते हैं और कई रीजनों से उनकी छुट्टी हो जाती है। उस पर ध्यान नहीं देते ना इनके पार्षद ना इनके विधायक, इनके पार्षद इनके विधायकों का सिर्फ ध्यान है पैसे कमाने पर, भ्रष्टाचार करने पर, दलाली करने पर। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कम से कम ये जब से ये जिंदा रहे जब तक जेल में रहे। अच्छा, आपने अभी एक बात कही कि भाई ये कहते थे कि कांग्रेस ऐसी है वैसी है, उसे जेल में डाल देंगे। ये बात तो मोदी जी भी कहते थे कि इतने भारत में इतने लोगों की ब्लैक लिस्ट है, हम सरकार में आते हैं उनको जेल में बंद कर देंगे। आज तक तो कोई बंद हुआ नहीं। और जैसे आसाम हो गया, इस तरह के कुछ उदाहरण है, पहले उनके खिलाफ नारेबाजी होती है कि ये भ्रष्टाचारी है ये वो, और जब उनके पक्ष में आते हैं तो उनको मुख्यमंत्री बना देते हैं। आपने देखा कि राहुल गांधी जी भी जमानत पर चल रहे हैं, वो सब बातें तो अलग है, लेकिन सुरन भी शायद अंदर ही है जेल में। ये सब भ्रष्टाचार ये थे। और मोदी जी ने जितना देश के लिए किया है, आज से 15 साल पहले कहां थे मोदी जी, अपना देश 15वें नंबर पे आता था, आज चौथे नंबर पे आ रहा है। बिल्कुल है कि नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, इस पर पूरी दुनिया के ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे नेता हैं, ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुए जी। सुधांशु जी आप क्या कहना चाहेंगे? जय श्रीराम भाई, सबसे पहले सभी देशवासियों को और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग इस चैनल को देख रहे हैं सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपको भी। अभी मैं ना एक रिसेंटली वीडियो देख रहा था जिसमें केजरीवाल जी कह रहे थे कि मेरा कोई सगा नहीं है, अगर मनीष सिसोदिया गलत करेगा तो जेल जाएगा, जेल चला गया। संजय सिंह गलत करेगा तो जेल जाएगा, सत्येंद्र जैन गलत करेगा तो जेल जाएगा। जिनका नाम लिया उन्होंने वो जेल में थे। भाई साहब ने बाद में खुद का नाम लिया था उन्होंने कि अगर मैं इनका सगा नहीं हूँ और मैं अगर गलत करूंगा तो जेल जाऊंगा। लास्ट में उनका नंबर था, वो भी जेल चले गए, ठीक है ना। पहली बात। दूसरी बात यह है कि शराब, जो शराब नीति है जिसके तहत अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, वो देश दिल्ली के अंदर इतनी गंदी तरीके से राजनीति कर रहे थे, ठीक है, आने वाले समय में हो सकता था कि बहुत और ज्यादा गंद फैल जाता, तो उससे पहले जो हमारी एजेंसीज हैं उन्होंने उसको अंदर कर दिया, तो बहुत ही अच्छा एक काम करा है। और दूसरी बात कि हमारे दिल्ली में तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, शौचालय, पानी और शिक्षा जी। आप मेरे को बता दो, पूरी दिल्ली में इन्होंने कहा था कि हम नए स्कूल बनाएंगे, एक भी नए स्कूल का नाम बता दो आप मेरे को, नए स्कूल बताओ, एक भी नए राशन कार्ड बताओ मेरे को, लेकिन एक भी सोचो सर, मैं क्या करूं, बिल्डिंग्स सर, रीस्ट्रक्चर तो हर सरकार कर रही है सर, नहीं पूरी नहीं बनी है, कहां बनी है सर, एक भी स्कूल का नाम बताओ। पटेल नगर में दो नंबर स्कूल लगा लो जो सर वो पहले था, नहीं लोकेशन वही है लेकिन वो इमारत तो नहीं है पूरी तरह से, नहीं सर वो तो रीस्ट्रक्चर करा है ना उसको, नहीं नहीं स्ट्रक्चर नया नहीं है, वहाँ बनाया ही नया है। पहले लोकेशन था की बात थी, एक ही ठीक है ना जी, जी, जी। दूसरी बात, मेरे नजर में पांच स्कूल में ऐसे बता दूंगा जिनके प्रिंसिपल ही नहीं है, मैं चार स्कूल के नाम ऐसे गिना दूंगा जिसके मैथ और साइंस के टीचर नहीं है, जो 12th क्लास के बच्चे मेरे से शिकायत कर रहे हैं। बहुत गंभीर समस्या है दिल्ली के तमाम स्कूल, कहीं भी देख लीजिए, कहीं प्रिंसिपल नहीं है तो कहीं शिक्षक नहीं है, बच्चे खाली बैठे रहते हैं, पीरियड्स में खेलते रहते हैं, ये तो बहुत भारी कमी है जो बरसों से चली आ रही है। नेहरू नगर में मैं आपको ऐसे शौचालय दिखा दूंगा जिनमें इतनी हाइजीन समस्या है कि उनको डेंगू और मलेरिया हो जाए घुसते ही। ये अगर सरकार ऐसी चलानी है तो मैं केजरीवाल जी से निवेदन करूंगा कि आप अभी इस्तीफा दे दो, और अगर आपकी बस की सरकार चलानी नहीं है तो आप सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दे दो, और आप अपना घर बैठो, जो भी आप पहले जो भी काम कर रहे थे आप उसे दोबारा ज्वाइन कर लो और देश के हित के लिए काम करो बस। बहुत धन्यवाद। कौन भाई, सभी को नमस्कार। हमारे वेस्ट पटेल नगर मंडल द्वारा आज केजरीवाल के भ्रष्टाचारी केजरीवाल का पुतला दहन किया गया, होली का दहन के दिन। हाँ, तो आज जो है हमारे मंडल द्वारा जो इस तरीके का कार्यक्रम रखा गया है, इसके लिए मैं मंडल अध्यक्ष जी को बधाई देता हूँ। और बात करते हैं टाइमिंग की केजरीवाल की गिरफ्तारी की, तो 8 सम्मन दिए गए, 9वें सम्मन पे आज
केजरीवाल को अंदर किया गया है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई राजनीति नहीं है, अपना जो संस्थाएं अपना काम कर रही है, कानूनी प्रक्रियाएं। और जहां तक कि केजरीवाल कहते थे परिवारवाद की बात की, हर पार्टी परिवारवादी है, तो इनकी भी पार्टी परिवारवादी है। आप कुछ दिन में अभी केजरीवाल की धर्मपत्नी जी को मुख्यमंत्री बनते हुए देखेंगे? मैं आपको रूप सिंह जी आपको कहूंगा, एक बार हमारी विधानसभा का सिर्फ बाढ़ पे आप नजर डालें। खुशवा भाई ने उसमें वीडियो बनाई है जो हमारे पीछे होली चौक से लेकर रामजस ग्राउंड के पीछे का क्या कारण है कि देश दिल्ली का मंत्री इस विधानसभा पे है, क्या कारण है दिल्ली की मेयर इस विधानसभा पे है और निगम पार्षद चारों इन्हीं के हैं। आप ये देखो कि आज त्योहार का दिन है और ये क्या क्षेत्र की हालत है। आज एक साल के ऊपर समय हो गया, कोई हमारी क्षेत्र की जनता खड़ी है, इनसे ये पूछ लो कि इनका निगम पार्षद कौन है, नहीं बता पाएंगे आपको क्षेत्र से, क्योंकि जब उनके श्रीमान पति जी विधायक रहे हजारीलाल चौहान जी, उनका भी यही नेचर था, जीतने के बाद वो कभी आए ही नहीं, तो यही काम कविता चौहान जी का रहा है। इस चीज को कहती है कि वो कभी आए नहीं या उन्होंने क्षेत्र में काम नहीं किया, क्या कारण रहा होगा कि इसके बावजूद भी उनके परिवार की पत्नी जीत गई उनकी? मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे यहाँ पर एक टैंकर माफिया चलता है, हमारी बस्ती का एक जो जोग्राफिया वो इस तरीके का, यहाँ पर पानी आने की थोड़ी सी दिक्कत है, तो टैंकर माफिया जो चलते हैं, जो इनकी दिल्ली में सरकार है, चुनाव से पहले उन लोगों को डराया जाता कि अगर तुमने वोट नहीं दिया तो तुम्हारा पानी बंद। तो जिसको भैया आप एक दिन बिना खाए रह सकते हो, दो दिन बिना खाए, लेकिन पानी के बगैर नहीं रह सकते। ऊपर से उन गुंडे गर्दी इतनी रहती है टैंकर माफियाओं की कि टैंकर चाहिए तो 2500 से लेके 5000 तक देने पड़ेंगे, नया टैंकर लगवाना है तो 20000 से लेके 50000 देने पड़ेंगे। दिए बेचारी जनता इतनी भूख वाली, इनको सुबह जाना है काम से कमा के लाना, तो इनको अगर पानी नहीं मिलेगा तो ये सब इनके लिए दिक्कत रहे, ये कारण रहा। और लेकिन इस बारी पूरी हमारी विधानसभा ने मन बना लिया है कि देश के अंदर तो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, और देश के अलावा अब की बार 2025 में भी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और इस विधानसभा के अंदर जैसे हमने रिजर्व के अपना यहाँ पर बलजीत नगर में हमारे पूर्व सांसद कालका दास जी ने बनवाया था, उसी अपने यहाँ नेहरू नगर के डीडीए पार्क में बनवाएंगे ताकि हमारी बस्ती में पूरी तरीके से पानी प्रॉपर मिल पाए। चलिए बहुत धन्यवाद। तो खबर के माध्यम से आपने सब सुना, इन सब की बात पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपके क्या सुझाव हैं, क्या विचार हैं, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से होली की पुनः बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए आप सभी से अनुमति चाहूँगा, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।